पत्र दाखिल किया जाता है, तो चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या फिर अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो एक प्रकार से उनके लिए ये ऐसा अवसर रहता है जिसमें वो अपने लिए नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में गांधी जी, छत्तीसगढ़ अलग परिवेश का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। राजनेता जो है अपने अपने पार्टियों के पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन असली इसमें किंग मेकर तो जनता है, और जनता केंद्र के विषय के ऊपर भी, स्थानीय विषय के ऊपर भी, या फिर आने वाले 5 साल में देश का क्या भविष्य बेहतर हो सकता है, इन सब दृष्टिकोणों से वह वैचारिक मंथन कर रही। अब देखिएगा, राजनांदगांव लोकसभा सीट की हम चर्चा करें, या इसके छाया के रूप में बस्तर का भी ले लें, और चूंकि आज कांकेर का भी हुआ, तो मूल बात यह है, जिस तरह से धर्मांतरण की राजनीति की बात हुई, तो आदिवासी समाज में ही अब दूर दूर तक बस्तर से या फिर कांकेर के एरिया से जो न्यूज आ रही है अंदर से, कि जो धर्म परिवर्तन किए हैं वो लामबंद हो रहे, तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में जो मूल आदिवासी हैं वो अलग लामबंद हो रहे। केंद्रीय विषय भी आ रहा है, सीए की भी बात हो रही, एलआरसी की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर राज्य सरकार, चाहे पूर्व वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री जी हैं या पूर्व मुख्यमंत्री जी, अपनी उपलब्धियों को अपने कार्यकाल का निश्चित रूप से रख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये केंद्रीय विषय भी लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। और राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से रोज तेजी के साथ परिवर्तन, अलग अलग कह सकते हैं दिशा में जाती हुई राजनीति दिखाई दे रही है, तो अभी 15-17 दिन है पहले फेज के मतदान के लिए, आगे आके क्या होता है इसके ऊपर भविष्य में विश्लेषण तथ्यों के साथ किया जा सकता है। गांधी निश्चित तौर पर विश्लेषण तथ्यों के साथ होना